और ये देखो यार कितना सुकून लग रहा है यार यहाँ पे। ये देखो भाई, अरे मुबारक, कितना मस्त दिख रहा है यार। एक मिनट आप लोग को भी दिखा देता हूँ, दिखाओ। 3, 2 एंड 1। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ कि आप सब एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी मेरा वीडियो देख रहे होंगे। क्या बोल दिया भाई, जाने दो। तो मुझे काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, डीएम्स आ रहे थे कि भाई तो घर में रह रहे के ऐसे क्या बना रहा है वीडियोस, इतने शॉर्ट शॉर्ट क्यों बना रहा है, मतलब अजीब से कमेंट आ रहे थे। और मुझे कह रहे थे कि थोड़ा घर के बाहर का भी दिखा दिया कर, तो वही करने वाला हूँ। और मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया था कि मेरी जो एग्ज़ाम थी इस वजह से मैं घर के बाहर तो जा नहीं पा रहा था, बट कल की लास्ट एग्ज़ाम है तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब घर के बाहर ही चलते हैं। तो मेरा फ्रेंड मुबारक के इधर एक घूमने जैसी प्लेस है, उसने अभी मुझे कॉल पे बताया, मुझे भी नहीं पता, वहीं पे हम लोग दे जाने वाले। तो बिना किसी टाइम पास के अभी चलो फटाफट से चलते हैं मुबारक के घर पे। तो चलो चलते हैं। हाल मुबारक के घर पे आ चुके हैं। ये गुलाब खुद कर रहा है। कौन है? कौन है? क्यूट है। ओ ये अभी उठा के लेके जा रहा है मुबारक। तो ये जो है ये अरसुल रोड है, आप लोग देख सकते हो। हम पूरे अरसुल रोड पे हम दोनों अकेले। कभी कभार यहाँ से गाड़ियाँ आती है मगर काफ़ी ज़्यादा स्पीड में आती है, सही बता रहा हूँ। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब ऐसा क्लैरिटी है ना वो हट रही है फ़ोन की। जिस टाइम पे न्यू फ़ोन लिया था ना उस टाइम पे क्या क्लैरिटी आ रही थी भाई, और अभी पता नहीं बैकग्राउंड का कलर ही हट जाता है पूरा। तो मैंने जो माई फर्स्ट व्लॉग जो पहाड़ पर बनाया था वो यहाँ से काफ़ी क्लियर दिख रहा है, तो वो आप लोग को दिखा देता हूँ। ये देखो, ये देख सकते हो यहाँ पर इतना ऊँचाई पर हम लोग बनाए थे, दिखा। और देखो अभी तक रोड पे हम दोनों अकेले हैं। देखो देखो कितना मस्त दिख रहा है। और यहाँ पे साइड में नदी है, तो हम लोग सोच रहे हैं यहाँ पे एक ढाबा बन रहा है अभी, तो वहाँ से खड़े रह के देखते हैं, शायद दिख जाए तो अच्छा होगा। तो चलो फटाफट से चलते हैं, वहाँ से एंट्री है तो चलो चलते हैं। रुकना, यहाँ से देखते ना पीछे से, तू आ। अरे यहाँ से पीछे से व्यू दिखेगा मेरे ख्याल से। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक ढाबा बन रहा है, देख सकते हो, मतलब भाई पूरे, मतलब यहाँ पे एक एक गाला नहीं है और यहाँ पे ढाबा बन रहा है, सही है। और एक चीज़ भाई, अरे मुबारक, कितना मस्त दिख रहा है यार। एक मिनट आप लोग को भी दिखा देता हूँ, दिखाओ। 3, 2 एंड 1, देख सकते हो। ओह देखो यार कितना मस्त लग रहा है, मतलब आप लोग कैमरे में देख रहे हो इसके लिए आप लोग को इतना कुछ खास नहीं लग रहा होगा, बट अगर आप लोग अपनी आँखों से देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगेगा, सही बता रहा हूँ। थोड़ा और नज़दीक जाते हैं, इतना नज़दीक नहीं जाएंगे, थोड़ा और नज़दीक। माइक अटक गया था। और यहाँ पे देख सकते हो ये ढाबा है, मतलब अभी फ़िलहाल ये इसका काम जो है वो चल रहा है, और यहाँ पे मेरे ख्याल से ना लोग बैठ के भी खा सकते हैं, उस टाइप से यहाँ पे बन रहा है। और ये देखो यार कितना सुकून लग रहा है यार यहाँ पे, देखो। हाय हाय हाय, मेरे पीछे अच्छा लग रहा है यार, थंबनेल के लिए देख लो। और ये देखो यहाँ पे बैठ के खा सकते हैं वो, इन लोग का बनाने का प्लान चल रहा है। और वहाँ पे हम लोग ने पहाड़ पे माय फर्स्ट ब्लॉग शूट किया था, और यहाँ से नीचे सीढ़ी है। अब वो कहाँ बैठ गया? तो अभी फ़िलहाल काफ़ी बेटर जगह दिख रही है, तो मेरे ख्याल से मैं आप लोग को सोच रहा हूँ थोड़ा और नज़दीक जाके दिखाओ, चलो। और यहाँ पर सीढ़ी है तो इतना कुछ ये नहीं है। और अभी आप लोग देख सकते हो बादल पूरे काले हो गए, देख सकते हो पूरे बादल काले हो गए, तो मुझे लग रहा है कि बारिश आने की थोड़ी संभावना है। तो अभी फ़िलहाल मैं जब घर से निकला था इतनी कड़क धूप थी ना, सही बता रहा हूँ, पूरा फेस पे मेरे धूप ही धूप थी। और अभी आप लोग देख सकते हो पूरा अंधेरा हो गया, मतलब कुछ समझ में नहीं आता है ये बारिश के टाइम पे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग नीचे चलते हैं और देख सकते हो ये देखो वो, मतलब काफ़ी ज़्यादा बेटर सीन आ रहा है, और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लग रहा है यार, मुझे तो जाने का मन ही नहीं कर रहा है। और ऊपर देख सकते हो वहाँ पे मुबारक भी फ़ोटो शूट ले रहा है। और मतलब इस होटल का जो प्लान है वो ये है कि यहाँ पे लोग जो है नदी के बाजू में बैठ के व्यू भी इंजॉय करें और खाना भी खाए। तो मेरे ख्याल से जब ये बनेगा ना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे ख्याल से मछलियाँ रहेंगी। और एक थंबनेल के लिए मैं फ़ोटो ले लेता हूँ, ठीक है? ओके, तो थंबनेल के लिए फ़ोटो हो गया, तो चलो अब चलते हैं। क्या फोटो ले लिया? अरे उसमें खाली ऐसा हाथ दिखाओ ना, फोटो क्लिक कर लेता है। चलो, और कुछ नहीं रहा ना। अभी मुबारक एक और एक जगह दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं आगे एक और एक जगह है घूमने जैसी, तो वहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। चलो, और हवा देख सकते हो कितनी तेज़ आ रही है। एक मिनट माइक पे हाथ रख देता हूँ, तो हवा भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ आ रही है।
तो जल्द से जल्द हम लोग निकलते हैं। अभी बारिश आ गई जैसा कि हम लोगों ने सोचा था, और अभी जो है हम लोग एक शेल्टर के अंदर है, तो बारिश जाने का वेट कर रहे हैं। तो और तेज आ गई है, देख क्या, अरे बारिश देख कितनी मस्त लग रही है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो यहाँ पे आ गई पूरी। तो बारिश 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 आ गई, जैसे कि मैंने बताया था आ गई बारिश, और छतरी भी नहीं लाया इसने यार, और मैंने भी। तो अब बारिश जाने का वेट करते हैं, फिर आगे चलने का प्लान करेंगे। अबे चली गई, नहीं 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 आ रही है, हवा है हवा है। तो मामू लोग भी खड़े हैं हमारे, हमको घूर घूर के देख रहे हैं। देखो हाय 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 हवा आ रही है, देखो दोनों के बाल वगैरह सब उड़ रहे हैं, इतनी तेज हवा है। चलो अब जल्द से जल्द चलते हैं, और बारिश भी चली गई। चलो गाइस देखो हम लोग बाहर निकले थे और फिर से बारिश आ गई। यही प्रॉब्लम होता है यार, बारिश में छतरी लाना भूल गए। तो अब देखते हैं कब तक जाएगी बारिश, और मेरे ख्याल से ना यहाँ पे पानी भी काफी जल्दी बढ़ता होगा, है कि नहीं? पानी। अच्छा ये देखो ये देखो ये जो टूटा गिरा है ना, ये देखो ये जो टूट गया है, तो ये पानी की वजह से हुआ है। देखो ये देखो कितना पानी भरता है, देख सकते हो यहाँ पे भी पूरा टूटने पे आया है, वहाँ पे भी एक चीर है। तो चलो चली गई बारिश, चलो अब चलते। अबे है यार अभी भी, चल। तो गाइस अभी बारिश थी, और अब आप देख सकते हो पूरी धूप आ गई है। देखो धूप आ गई पूरी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। तो ये है हमारी खिड़की बेकरी, अभी फिलहाल ये बंद है इसलिए अंदर तो जा नहीं सकते। कहाँ गया वो भैया, स्नैप डाल रहे चलो तेरे वो बंद है इसलिए अंदर नहीं जा सकते। नहीं तो मैं सोचा था अंदर जाने का, तो अब फिलहाल इसके घर पे चलते हैं। अभी तो बारिश है, बारिश जाने के बाद मैं अपने घर पे जाऊँगा। तो अभी आप लोग देख सकते हो आसमान पूरा साफ हो गया, और जब हम वहाँ पे थे तो इतनी तेज़ बारिश हो गई थी भाई, तो आना पड़ा। नहीं तो मैं सोच रहा था थोड़ा और रुक के उसके आगे का दिखा देता हूँ आप लोग को, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो अभी फिलहाल दूसरी जगह पे घूमने चलते हैं, मुबारक को ड्रॉप करूँगा और निहाल को पिकअप करूँगा, और कहीं और घूमने चलेंगे। घास देखो यार क्या पिंकिश पिंकिश टाइप की थोड़ी हो गई है, देख सकते हो खेत में भी मछलियाँ है बहुत सारी। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, मुझे लगा कि यहाँ पे मछलियाँ नहीं रहेगी, बट है, और पहले भी हम लोग बहुत पकड़ते थे यहाँ पे, मुझे अभी तक याद है। हम चार पांच जन आते थे, चार पांच दोस्त आते थे, मैं निहाल और दो तीन, और हम लोग पूरा दिन यहाँ पे मछली पकड़ते थे और ड्रम में डालते थे और उसे पालते थे। मतलब वो टाइम के शौक ही कुछ और थे, और अभी फिलहाल 12वीं हो जाने के बाद पता नहीं मेरा क्या होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। चलो अब निहाल के घर पे, क्या देख रहा है ऐसा, मारेगा क्या? तो गाइस मैं फिर से आ चुका हूँ अपने अरसुल रोड पे, और हम लोग का प्लान है कि मतलब भोस्ते से अरसुल चलते जाए। अब पता नहीं है कितना टाइम लगेगा हम लोग को, और तकरीबन हर कोई बोल रहा है कि 1 किलोमीटर के आसपास है, 1 से ज़्यादा किलोमीटर के आसपास है। तो हम लोग का तो बस यही प्लान है कि हम लोग यहाँ भोस्ते से अरसुल चलते जाए, और मेरे साथ है हमारे निहाल भाई, देख सकते हो कैमरा मैन के थ्रू, और कैमरा मैन के साथ साथ मेरे जिगरी दोस्त। तो हम लोग का बस यही प्लान है कि चलते जाएंगे, और जो जो रास्ते में हम लोग को दिखेगा वो आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलो अब बिना किसी टाइम पास के चलते हैं। आन दे ना, क्या डरता हूँ मैं, देख अभी अभी देखा देखते ही आएगा। आप लोग देख सकते हो बादल कितने मस्त लग रहे हैं, मतलब एकदम पूरा क्लियर हो चुका है आसमान, लेकिन यहाँ का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ जाती है कि नहीं निहाल? अभी भरोसा नहीं है, अभी भी भरोसा नहीं है, देखो अभी भी भरोसा नहीं है कब बारिश आ जाए कब नहीं। तो हम लोग ने एक छतरी ली है, एक छतरी में एडजस्ट करेंगे, और पहले जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो छतरी वतरी नहीं थी हमारे पास, इसके लिए हम रिटर्न लौट गए थे। तो मुबारक को हम रख दिए उसके घर पे, और निहाल आ गया मेरे साथ, जो कि मेरा डेली का पार्टनर है, और इसी के साथ बनाने ना पता नहीं मुझे कुछ ये होता है, मतलब जोश आता है इसके साथ बनाओ तो, क्योंकि निहाल जो है वो रेगुलर है, मतलब तो हम दोनों ना पहले से साथ में, जिस वजह से एकदम फ्रेंडली, मतलब भाई जैसे रहते हैं हम दोनों। और वो मुबारक है, वो मेरे साथ वो भी पहले से है, बट उसके साथ रहूँ ना तो थोड़ा मतलब बोल नहीं पाता अच्छे से, लेकिन इसके साथ रहो तो ये मुझे बताता है कि ऐसा नहीं ऐसा बोल, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो बातों बातों में देख लो पूरा रोड खाली है, और ये अकेला। तो चलो अब चलते हैं फटाफट से। पहले हम लोग यहाँ पे आए थे, जो ढाबे के पास आए थे वो मिल चुका है हम लोग को।
तो गाइज हम लोग 15 मिनट से अभी तक चल ही रहे और अभी तक अड़सुल आया नहीं है, बस रिक्शा विक्शा जा रही है। तो ये जितने भी झाड़ देख रहे हैं आप लोग को, ये सब केले के झाड़ है, बट मेरे ख्याल से शायद जंगली वंगली है, और तो उसमें एक आया भी है, अब पता नहीं जंगली है कि नहीं। और हम लोग जो है अड़सुल पहुँच गए हैं फाइनली, देख सकते हो एक घर वहाँ पे दिख रहा है। इतना दूर आए तो सब्सक्राइब और लाइक कर दो, कर दो यार, भाव खड़े कर दो। तो निहाल इधर सौवे सफर खेलते बैठा है, बहुत पैसा है अपने पास। हाँ बहुत पैसा है अपने पास, देखो पैसा देखो। मैं यहाँ पे अड़सुल जो वो पहुँच चुका हूँ, और यहाँ पे घूमने जैसा भाई कुछ भी नहीं है यार, मतलब एकदम पूरा सिंपल सा गांव है। तो अभी जो है मैं एक बस स्टॉप के अंदर बैठा हूँ, देख सकते हो। तो अभी फिलहाल हम लोग अड़सुल से निकल चुके हैं, और तो और हम लोग ने बस चैलेंज किया था कि अपने घर से अड़सुल चलते आएंगे, जिस वजह से हम लोग की भी थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी और आप लोग को भी दिखा देंगे और कंटेंट भी मिल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ने अड़सुल गए थे, हम घूमने के इरादे से नहीं गए थे। तो अभी फिलहाल फटाफट से चलते हैं घर पे, और अंधेरा होने वाला है देख सकते हो। हाँ तो अंधेरा होने से पहले पहुँचना है, इसके लिए फटाफट से चलते हैं। पूरा अंधेरा हो गया है देख सकते हो, और पूरे अंधेरे रोड पे सिर्फ हम लोग है। क्या गाड़ी वाला इनोवा डाला उसने, ये इंडिकेटर दिखा रहे हैं। इस पूरा अंधेरा हो गया है, टॉर्च चालू कर देता हूँ देख सकते हो। और अब तक हम लोग घर नहीं पहुँचे, तो अभी फिलहाल घर पहुँचने की प्लानिंग चल रही है। तो चलो फटाफट, सामने से गाड़ी भी आ रही है। देखो कितना अंधेरा अंधेरा हो गया भाई। ये तो फिलहाल मैं अपने घर पे आ गया हूँ, और मैं फ्रेश हो जाता हूँ, आज के व्लॉग को मैं एडिट करने लेता हूँ। होप यू आपने आज की व्लॉग एंजॉय की होगी, अगर की है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ ऐसी अच्छी अच्छी व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।